शुभम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करेंगे आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। फिर पार्ट है वीडियो का। करने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हम जो है अभी चल रहे हैं, हमने चारा जो है काट लिया, अभी चलते हैं और चारा काट कर जो है वो जानवरों को डालना है, वो भी डालते हैं क्योंकि भैंस बकरी जो है बहुत ज्यादा देर से जो है भूखी। हमें जो है छुट्टी है तो मैंने सोचा कि गांव में हूँ तो मजदूर तो गांव के काम जो होते हैं वही करते हैं। हम जो है चारा काट कर अभी जा रहे हैं, जानवरों का चारा डालते हैं जानवरों को, और उसके बाद जो है आज थोड़ा सा दिन कर रहा है कि कुकिंग खुद ही कर रहे हैं, गाँव की भी याद आ रही है तो कुकिंग भी करते हैं। अभी चलते हैं, पहले इनको चारा लेकर चलते हैं। चले चलो चलिए, सोचने लग गए देखो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करेंगे आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने बताना है कि आप कैसे हैं, कमेंट्स करके जरूर जवाब दिया करें। कमेंट्स का भी कोशिश करती हूँ, सारे रीड करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं जवाब नहीं देती, लेकिन वीडियो के जरिए जरूर देती हूँ जो कि आपके अहम सवाल होते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले छोटी सी हमारी गुजारिश होती है, जैसे हमेशा ही होती है, कि जिन्होंने अभी तक जो है लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक ज़रूर कर लें। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं खूबसूरत से गाँव में, और आज हम कर रहे हैं जी काम, कुकिंग भी करनी है साथ में। कुकिंग है क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है होटल का खाना खाने से तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, लेकिन आज फरमाइश आई है अम्मा की स्पेशली और अकीदत भाई के मोमल आप ना यहाँ पर चावल बनाएं। तो चलो ठीक है जी, काफ़ी अच्छे से चावल हमने भी नहीं खाए, हम भी चावल खा लेते हैं। और अभी इनको चारा जो है आंटी डाल रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है साथ में आपका मैं भी काम कराती हूँ चाव। अभी अम्मा बना रही है अभी चावल के लिए सामान, फिर जब तक अम्मा सामान बना लेती है सामान तो उसके बाद चावल जो है वो बनाते हैं। आज आलू वाले हमारे वैसे दिल था। रानी आज कौन से चावल खाने का दिल था? मेरा तो मटर चावल खाने का बहुत दिनों से दिल था, मटर वाले चावल। हाँ। और हमारा जो कैमरा मैन है उसका चाइनीज खाने का दिल है, और मैं और मेरा मोमल भाई हमारा मटर चावल है, और हमें मटर हमें यहाँ से मिले नहीं, लेकिन आलू जो है वो कहते हैं हर जगह दाल के अलावा बाकी सब चीजों में घुस जाता है आलू, तो आलू जो है वो ही डाल रहे हैं आज, मटर मिले ही नहीं है हमें। इनका ना काफी सारा बड़ा सहन है। अब देखिए कुछ जानवर वहां पर ठहरे हुए हैं, वहां पर रखे हुए हैं, अब ये गिली अभी यहाँ से ये कुछ कर लेंगे। जैसे मैंने सोचा कि गोबर जैसे पड़ा हुआ ये साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ये कुछ हो जाएगी। अब यहाँ पर भी बांधे हुए हैं घास के लिए, वहां पर बकरियां खा रही हैं घास, हम ये खुश करते हैं, उसके बाद जब तक अम्मा जो है उस्मान बनाती है हम भी चावल बनाते हैं। चावल देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, ये देखो बहुत लंबे चावल है, और यहाँ पर इनके चावलों की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो कि महंगे चावल होते हैं ना वही है ये चावल, जब ये पक जाता है ये बता रही थी यहाँ पर खाते हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, लंबा चावल हो जाता है। तुझे नए पोस्ट लाते हैं मेरी ना बना, इसकी बनाई रुक। मेरा भोला भाई, ये है हमारी भोली, बिल्कुल भोली भोली सी होती है। काम में कितनी अच्छी हूँ मैं, काम में होस्टिंग करने लग जब खड़ी हो जाए ना स्टेज पर हो जाए तो लगता है कि प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है, लेकिन अगर आप हमारे साथ इनको देखेंगे नेचुरल रियलिटी जो है निकल आएगी। बिल्कुल भोली है ये, बिल्कुल सिंपल सादा, इस तरह के कभी 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 अल्फाज बोल जाती है जो की इनको खुद को उनका मतलब नहीं पता होता बाज दफा। और ये मेरी दोस्त मोमल 2.0, बहुत फेमस यूट्यूबर, टिकटॉकर होने के साथ साथ बड़ी कुक भी है, अभी साथ चावल बता रही हूँ और साथ। हाँ मैं ना अभी आलू वाले चावल इन्हीं की फरमाइश है, मोमल तुम कुकिंग करो। हाँ, ठीक है जी, बना रहे हैं हम चावल। ये अम्मा ने खट्टा छुट्टा बीच में पेस्ट है,
अभी मोमल इसमें मच्छे सूटेंगे। ये देखो रानी इसमें पता क्या क्या उन्होंने, लहसुन प्याज और सूखा धनिया इसमें पीस के रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी का मत रोम का, अगर अच्छा था मारे में पानी का, मैं भी अपने हिस्सा शामिल करूंगा। ओके ओके, अम्मा ने मुझे कहा था तुम बड़ी कुक नहीं हो, मैं तो बड़ी कुक हूं, तो अम्मा मेरी बेइज्जती हो गई। और ये आलू है, आलू है इसकी कहानी मैं बता नहीं सकती हूँ, ये मैंने कहा से। और ये मोमल बाकी की तरफ नमक डालते हुए काफी है, काफी हमारी हो जाए क्योंकि चावल हमारी महीना रह जाए और सेटअप जैसे ही क्लोज होता है हमें बुला लेंगे कि आए आप गाड़ियों में बैठे चलेंगे। और मोमल आज आलू का टेस्ट ही मुख्तलिफ होगा, पता है क्यों? ये देसी चावल है, देसी चावल है, घर के चावल है, फ्रेश जो अभी ताजा फसल आई है ना ये उसके चावल है, जो घर की खातून है वो मैं बता रही है। और हम वीडियो में भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि चक रोए मंडी के लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने हमें चावल कहा तो आप बाहर से नहीं लाए, हम आपको देंगे और वो खाएंगे। चावल जो है वो मैंने बनाए थे, मेरी जिम्मेदारी थी, चावल मेरे बन चुके हैं, दम पे भी आ चुके हैं, अभी चावल को करते हैं डिश आउट। और साथ में मैंने इसे कहा कि चटनी आप बनाएंगी, रानी बना रही है चटनी। चटनी में क्या क्या डाला रानी? चटनी में न्यासपुर डाली है, हरी मिर्चें और नमक डाले। और मैंने कहा मोमल कह के मैं इतना काम करती हूँ तो इसकी दोस्त को नहीं करती, तो चटनी पूरी मैंने अकेले बनाई है। और मैंने जो अभी धुएं में बैठ के होकी है अभी मुँह भी धो कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे ना हो रही थी एलर्जी सी जिस तरह से। अभी हमने चावल जो है हम देखते हैं हमारे चावल हुए या नहीं हुए, क्योंकि हो गए ना हम 15-20 मिनट हो गए। अभी थोड़े गीले हैं क्योंकि आवाज आ रही है जाने की। चले जी हमारे चावल जब तक तैयार होते हैं और हमारा टाइम भी हो गया है जाने का। चावल जैसे तैयार होते हैं हमने टिफिन जो है अम्मा लेकर आ गई, इसमें डालते हैं और उन अकीदत भाई के लिए और रानी रानी के भाई के लिए भी लेके जाते हैं बाहर, क्योंकि हमने तो खाना है और उनको जो है वो भूखे ना बैठे। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ताकि अपनी जो है हमें दुआओं में बहुत ज़्यादा याद किया करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।